इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। पहाड़ी की इस बुलंद चोटी से आसपास का मंजर बहुत खुशनुमा नजर आ रहा था। एक तरफ तहद नजर वसी वारी समंदर फैला हुआ था जिसका रंग बेरंगा पानी धूप में रंगीन शीशे की तरह चमक रहा था। मुझे तेजी से भागती हुई आती और जाती साहिल से टकरा कर वापस लौट जाती। सफेद सफेद झाग नमूदार होते और फिर अचानक गायब हो जाते। ना जाने मौजों का यह खेल कब से जारी है और कब तक जारी रहेगा, मैंने दिल ही दिल में सोचा। पहाड़ी की दूसरी तरफ घना तारीख और तहद्दे नजर सब्जा ही सब्जा नजर आता था। दरख्तों की बुलंदो बाला सरसब्जो शादाब चोटियों पर से नजर फिसलती हुई जितना आगे जाती थी सब्जा ही सब्जा नजर आता। प्रोफेसर चंद मिनट के लिए अल्बर्टो और फ्रांसिस भी इस हसीन मंजर की दिलकशी में गुम होकर रह गए थे। यहाँ तो कहीं सोने के आसार नजर नहीं आते। बिलाखिर अल्बर्टो ने अपनी जगह से उठते हुए मुझे देखकर कहा और फ्रांसिस ने उसकी बात का तर्जुमा मेरे सामने कर दिया, मुझे भी यहाँ सोने के आसार नजर नहीं आते। मैंने अपनी जुबान में जवाब दिया, क्या बेहतर ना होगा कि हम वापस चले। फ्रांसिस ने तर्जुमानी के फ्राइज अंजाम दिए। यकीनन हम वापस जाएंगे, अल्बर्टो ने हंसते हुए कहा, लेकिन हमारे रास्ते मुख्तलिफ होंगे। हम दोनों सामने के इसी रास्ते से वापस जाएंगे जिधर से हम आए थे, जबकि तुम पीछे के रास्ते से नीचे जाओगे और नीचे पहुंचते ही उस दुनिया को सधार जाओगे। फ्रांसिस ने अल्बर्टो के इन अल्फाज का तर्जुमा मेरे लिए नहीं किया था। आओ जरा देखें पहाड़ी के पिछले हिस्से की तरफ क्या है, अल्बर्टो ने कहा और मुझे हाथ से आगे आने का इशारा किया। मैं अल्बर्टो के मनसूबे में मुजाहमत नहीं करना चाहता था और उसे इस बात का पूरा पूरा मौका हासिल था कि वह मुझे हलाक करने की अपनी पूरी कोशिश करे। चुनाचे उसके इशारे पर मैं आगे बढ़ गया और एक उभरी हुई चट्टान के बिल्कुल किनारे पर खड़ा होकर नीचे झांक कर देखने लगा। मैंने खुद अल्बर्टो को यह मौका फराहम कर दिया था कर मुझे धक्का दे और अल्बर्टो ने इस मौका से पूरा पूरा फायदा उठाया। वो अचानक मेरे पीछे आया और उसने मुझे पूरी कुव्वत से नीचे धकेल दिया था। फ्रांसिस इसके करीब ही खड़ा हुआ था। मैंने खुद को बचाने की कोई कोशिश नहीं की और मेरा जिस्म हवा में तैरता हुआ तेजी से नीचे की तरफ जाने लगा जहां बहुत ही भयानक चट्टानें अपना मुंह उठाए खड़ी हुई थी। मैं सीधा चट्टानों पर गिरा और मैंने खुद को इसी हालत में पड़ा रहने दिया और पहाड़ी के ऊपर मुझे अल्बर्टो और फ्रांसिस के हेवले नजर आए जो नीचे झांक कर मेरा अंजाम देखने की कोशिश कर रहे थे। काफी देर तक वो दोनों ऊपर से झांक झांक कर मुझे देखते रहे। मेरे बदन ने कोई जुम्बिश तक नहीं की। बिलाखिर इन लोगों को यकीन हो गया कि मैं मर चुका हूं और मेरे जिस्म की सारी हड्डियां सुरमा हो गई हैं। तब वो हट गए। उनके हटने के बाद मैं भी थोड़ी देर तक इसी हालत में पड़ा रहा। जब मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो लोग पहाड़ी पर से नीचे चले गए हैं तो मैं एक जस्त लगाकर अपनी जगह से उठ बैठा। फिर मैंने एक अंगड़ाई ली और अपने आजा की कसलमंदी को दूर किया। इसके बाद मैं एक मुख्तसर रास्ते से जो चट्टानों के अंदर से अंदर गुजरता था और जिसका मुझे इल्म था तेजी से साहिल की तरफ बढ़ने लगा। मैं चट्टानों की आड़ लेता हुआ अंदर ही अंदर चलता हुआ साहिल के उस हिस्से के करीब पहुंच गया जहां अजनबी लोगों का जहाज लंगर अंदाज था। तमाम सोना जहाज पर लादा जा चुका था और अब बचे खुचे लोग जहाज पर सवार हो रहे थे और थोड़ी देर में जहाज यहां से रवाना होने वाला था। मैंने एक चट्टान की आड़ में से समंदर के अंदर छलांग लगाई और तेजी से तैरता हुआ जेरे आब चला गया। जेरे आब जाने के बाद मैंने अपना रुख अपनी बस्ती के साहिल की तरफ मुतय्यन किया और उधर तैरना शुरू कर दिया। इस असना में जहाज भी वहां से रवाना हो गया। मैं जहाज के जेरे आब हिस्से को बाखूबी देख सकता था जो मेरे पीछे पीछे चला आ रहा था। थोड़ी देर तक तो मैं जहाज के आगे आगे तैरता रहा। इसके बाद मैंने जहाज को आगे निकल जाने का मौका दिया और खुद पीछे हो गया। अब जहाज आगे जा रहा था और मैं इसके पीछे पीछे। जहाज की रफ्तार बहुत तेज थी। वो लोग यकीनन शाम होने से पहले पहले बस्ती के साहिल के करीब पहुंचाना चाहते थे ताकि वहां जल्द अज जल्द अपना काम अंजाम देकर वहां से आगे बढ़ जाएं। ये मुझे नहीं मालूम था कि जहाज के अंदर क्या सरगर्मियां जारी हैं। अलबत्ता इतना अंदाजा मैं जरूर लगा सकता था कि इन लोगों ने शराब में बेहोशी की दवा मिलाने का काम पूरा कर लिया होगा ताकि साहिल पर पहुंचने के साथ ही बस्ती वालों में ख्वाब आवर शराब की तकसीम शुरू कर सके। बिलाखिर जहाज बस्ती के साहिल पर पहुंच गया और वह रुक गया। मैं जो जेरे आब तैरता हुआ तेजी से जहाज से दूर निकल गया था और फिर मैं खामोशी से बस्ती में दाखिल हो गया। बस्ती के वस्त में जो मैदान था जो इज्तमागाह के तौर पर इस्तेमाल होता था वो इस वक्त खाली पड़ा हुआ था। मैंने जल्दी से एक दरख्त को मुंतखब किया और
तेजी से उस पर चढ़कर उसके पत्तों में छुप कर बैठ गया। मुझे बस्ती में दाखिल होते हुए किसी ने नहीं देखा था। जरा सी देर बाद मैंने देखा कि साहिल की जानिब से अजनबी बस्ती के अंदर दाखिल हो रहे हैं। इस वक्त सूरज गरूब हो चुका था और शाम के साए हर तरफ बढ़ते नजर आने लगे थे। अजनबियों की शक्लें दूर से हेवलों की मानिंद नजर आ रही थी। अजनबी बस्ती के अंदर दाखिल हुए तो इनकी आमद की खबर आहिस्ता आहिस्ता सब लोगों को हो गई और लोग अपने अपने झोपड़ों से बाहर निकल कर आने लगे। लोगों को यह देखकर हैरत हो रही थी कि अजनबियों के सर पर बड़े बड़े पीपे रखे हुए थे। इन्होंने मैदान के वस्त में पहुंचकर वो पीपे नीचे जमीन पर रख दिए और तब मैंने मार्कोस को अल्बर्टो फ्रांसिस और रोमेरियो वगैरह को साफ पहचान लिया जो सबके सब एक साथ आ रहे थे। फिर मैंने नारो को देखा जो बड़े शहाना वकार के साथ अपने झोंपड़े से निकली। अंधेरे में उसका जिस्म और कद और भी भारी भरकम नजर आ रहा था। नारो को देखते ही अल्बर्टो मार्कोस और फ्रांसिस इसकी तरफ बढ़े और उन्होंने झुककर उसे ताजीम दी। वो लोग ऐन उस दरख्त के नीचे थे जिस पर मैं बैठा हुआ था। क्या हाल है अजनबी लोगों, क्या हाल है? अजनबी लोगों ने दोस्ताना अंदाज में सवाल किया। तुम्हें दोबारा देखकर खुशी हुई, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, नारो ने कहा। क्या तुम लोगों को वो जर्द रंग के पत्थर मिल गए जिनकी तुम्हें तलाश थी? हाँ नारो, फ्रांसिस ने जवाब दिया, हमें वो पत्थर मिल गए हैं और हम लोग तुम्हारी और खास तौर से त्याबू के बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं कि इसकी मदद से हमें इन पत्थरों तक रसाई हासिल हो सकी है। अब इस खुशी के मौका पर हम बस्ती के सारे लोगों को अपना मखसूस और कीमती मशरूब पिलाना चाहते हैं जो हमारी दुनिया का खास तोहफा है जिसे पीकर इंसान हवा में परवाज करने लगता है। लेकिन त्याबू कहाँ है? नारो ने फ्रांसिस की बातों को नजरअंदाज करते हुए सवाल किया। त्याबू पीछे पीछे आ रहा है, फ्रांसिस ने कहा। हम लोग जहाज पर आए हैं लेकिन त्याबू ने कहा कि वो तैर कर सफर करना ज्यादा पसंद करेगा। हमारे कहने के बावजूद उसने अपना फैसला नहीं बदला। वो एक नहायत उम्दा तैराक है और मुझे यकीन है कि जरा सी देर में वो यहाँ पहुंच जाएगा। इस वक्त तक तुम बस्ती के सारे लोगों को यहाँ जमा कर लो और इनसे कहो कि वो पीने के बर्तन साथ लाएं ताकि हम इनके दरमियान ये मशरूब की तकसीम शुरू कर सकें, फ्रांसिस ने एक पीपे को आगे बढ़ाते हुए कहा। ऐसा नहीं हो सकता, नारो ने खुश्क लहजे में जवाब दिया। जब तक त्याबू नहीं आ जाता इस वक्त तक हम यह मशरूब कबूल नहीं करेंगे। त्याबू के आने के बाद ही इस बारे में कुछ तय किया जा सकेगा। नारो के इस जवाब में फ्रांसिस के हाथों के तोते उड़ गए थे। उसने घबराकर अल्बर्टो और मार्कोस की तरफ देखा और इन्हें हिस्पानवी जुबान में इस नई सूरत हाल से आगाह किया। मार्कोस के लबों पर मुस्कुराहट खेलने लगी लेकिन अल्बर्टो का चेहरा गुस्से और नाकामी के सबब स्याह पड़ गया। खुद मैं भी नारो की साफ गोई से बेहद मुतासर हुआ था। मुझे अंदाजा हुआ कि नारो के दिल में फिलहकीकत मेरे लिए कितनी जगह मौजूद है और वो मुझे किस दर्जा अजीज रखती है। मेरी मौजूदगी और शिरकत के बगैर उसने मशरूब कबूल करने से इनकार कर दिया था कि नारो के हुक्म के बगैर कबीले का कोई भी फर्द यह मशरूब कबूल करने की जुरत नहीं कर सकता था। लेकिन मुश्किल ये थी, प्रोफेसर के नारो के इस तर्ज अमल ने खुद मेरे मंसूबे की राह में मुश्किलात पैदा कर दी थी। मैं शशोपंज में मुबतला हो गया था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जाहिर है कि नारो ने मशरूब कबूल करने की जो शर्त आयद की थी वो कम अज कम अजनबियों की नुकता नजर से तो नाकाबले अमल थी क्योंकि वो मुझे अपनी दानिश में हलाक कर चुके थे। अब वो बस्ती वालों को मशरूब पीने पर किस तरह मजबूर करेंगे और इन्हें यह मौका किस तरह हासिल हो कि वो औरतों को अगवा कर सके। इस स्याह चुड़ैल को समझाओ कि इसका खादिम अभी आ जाएगा, किसी तरह इसे राजी करो कि ये लोगों को मशरूब पीने की इजाजत दे दे। अल्बर्टो ने गुस्से से दांत पीसते हुए फ्रांसिस से कहा। फ्रांसिस ने नारो को कायल करने की बहुत कोशिशें की कि वो त्याबू का इंतजार न करे क्योंकि बहरहाल त्याबू थोड़ी देर में आन पहुंचेगा और लोगों को मशरूब पीने की इजाजत दे दे। लेकिन नारो जैसे किसी मजबूत चट्टान की तरह अपने फैसले पर कायम रही और उसने इन लोगों की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। यही नहीं बल्कि वो वहां से हट गई और दूर जाकर अपने झोंपड़े के दरवाजे के सामने बैठ गई। नारो के हटते ही बस्ती के सारे लोग वहां से हट आए सिवाय इक्का दिक्का लोगों के और छोटी छोटी टोलियों में इधर उधर बैठ गए। अजनबी अकेले रह गए। मेरी मानो तो अब इस प्रोग्राम को भूल जाओ, मार्कोस ने अल्बर्टो से मुखातिब होते हुए कहा। ना हम त्याबू को जिंदा वापस ला सकते हैं और ना ही इन लोगों को मशरूब पीने पर मजबूर कर सकते हैं, और जब तक ये मशरूब नहीं पी लेंगे इस वक्त तक इनके लिए बेहोशी का सवाल ही पैदा नहीं होता और इनकी बेहोशी के बगैर तुम इनके किसी इंसान को हाथ नहीं लगा सकते, और अगर ऐसी हमाकत की तो ये लोग हमें मार देंगे। इसलिए खैरियत इसी में है कि औरतों का ख्याल छोड़ दो और यहाँ से सीधे जहाज में बैठ कर रवाना हो जाओ। जो कुछ हम चाहते थे वो तो हमें मिल चुका है, हम इनके रूहानी पेशवा को कत्ल भी कर चुके हैं। इस सूरत में हमारा यहाँ ज्यादा कयाम खतरे खाली नहीं, तुम खामोश रहो तो बेहतर है, अल्बर्टो ने मार्कोस को डांटते हुए कहा। बजाय इसके कि तुम कोई दूसरा मुतबादल रास्ता तलाश करने की कोशिश करो, उल्टा हम लोगों की हौसला शिकनी कर रहे हो। मुझे सोचने दो, मुझे कोई दूसरा रास्ता सोचने दो। दूसरा कोई रास्ता मौजूद नहीं है अल्बर्टो,
इस मर्तबा फ्रांसिस ने पहली बार इस मामले में अपनी जुबान खोलते हुए कहा, तुम अपने शौक की खातिर सबको खतरे में मत डालो। अगर इनको जरा सी भी भनक पड़ गई कि टियाबू जिंदा नहीं है तो लेने के देने पड़ जाएंगे और हमें जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ से खामोशी के साथ राय फरार इख्तियार करो और जहाज में बैठकर वापस निकल चलो। तुमने भी इतनी जल्दी हथियार डाल दिए, अल्बर्टो ने फ्रांसिस पर तंज करते हुए कहा। अच्छा इधर चलो, इस दरख्त के नीचे बैठकर इत्मीनान से इस नई सूरतहाल पर गौर करते हैं। अल्बर्टो ने दूर एक दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, फ्रांसिस दरअसल मुझे सख्त प्यास लग रही है, वहां इस दरख्त के नीचे जो जंगली बैठे हुए हैं इनके पास चलकर पानी मंगवाएंगे और फिर ठंडे दिल से सोचेंगे कि अब हमें क्या करना है। वो सब के सब वहां से हट गए और दूर एक दरख्त की समत कदम बढ़ाने लगे। जहां कबीले के कुछ लोग बैठे हुए थे, जिस दरख्त पर मैं बैठा हुआ था अब उसके नीचे कोई आस पास मौजूद नहीं था। चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था और कबीले वालों ने जगह जगह मछलें रोशन कर दी थी। इस वक्त अचानक मेरे जहन में एक नया ख्याल आया और इस ख्याल के आते ही मैं खुद ब खुद मुस्कुरा उठा। मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे की जानिब से दरख्त से नीचे उतर आया। अंधेरे में मुझे किसी ने नहीं देखा। इसके बाद मैं करीब तरीन झोंपड़े के पास गया। अब अगर किसी ने मुझे देख भी लिया तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी। असल बात यह थी कि अजनबियों को मेरी आमद की खबर न होने पाए, अपने लोगों को यह मालूम भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। करीब तरीन झोंपड़े के आगे एक शख्स तनहा बैठा हुआ था। मैंने उसे पहचान लिया, इसका नाम अमका था। अमका ने अंधेरे में मेरी तरफ चेहरा घुमाया और फिर कोई तवज्जा न देकर दूसरी तरफ देखने लगा। उसने मुझे पहचाना नहीं था और यही समझकर नजरअंदाज कर दिया था कि मैं भी कबीले का कोई आम आदमी हूँ। मैं उनका के बिल्कुल पास पहुंच गया, तब उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और फिर उसने मुझे पहचान लिया और वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। टियाबू तुम आ गए, उसने खुश होते हुए कहा। मैंने होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और सरगोशी में उससे कहा कि मैं तुम्हारे झोंपड़े के अंदर हूँ, इस आमद की किसी को खबर ना होने पाए। तुम जाओ और जल्दी से नारों को यहाँ बुला लाओ, लेकिन ख्याल रहे कि किसी और को इस बात का इल्म ना होने पाए। इतना कहकर मैं उसके झोंपड़े के अंदर दाखिल हो गया और किसी छलावे की तरह मेरी नजरों से गायब हो गया। जरा सी देर बाद नारों हांफती कांपती हुई झोंपड़े में दाखिल हुई और वो मुझे देखकर बोली, टियाबू तुम जिंदा हो? मैं तो समझ रही थी कि इन लोगों ने तुम्हें हलाक कर दिया है या तुम किसी और तरह हलाक हो गए। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम अकेले तैर कर आते और ये लोग जहाज में आते? जरा जल्दी से बताओ टियाबू कि ये सब क्या है और तुम यहाँ छुपे हुए क्यों हो? मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा नारो, मैंने उसे अपने से अलहदा करते हुए कहा, लेकिन थोड़ी देर के बाद अब फिलहाल मेरी आमद को पोशीदा रखना जरूरी है और जो कुछ मैं कहूँ इस पर खामोशी के साथ अमल करते जाओ। मुझे बताओ क्या करना है टियाबू, नारो ने न्याजमंदाना लहजे में कहा। तुम जो कुछ कहोगे मैं बिला चू चरा इस पर अमल करूंगी, तुम हुक्म तो दो। अच्छा तो सुनो, तुम अजनबियों के पास जाओ और खबरदार इनको मेरी आमद के बारे में कोई इल्म न होने पाए। इनसे कहना कि तुमने अपना इरादा बदल लिया है और तुम कबीले के लोगों को मशरूब पीने की इजाजत देने के लिए तैयार हो। मगर ये बातें तुम्हें कैसे मालूम हुई? नारो ने अहर से पूछा। इन सवालों का वक्त नहीं है नारो, मैंने जवाब दिया। जो मैं कह रहा हूँ इस पर अमल करो। तुम जल्दी से अजनबियों के पास जाओ और इनसे कहो कि तुम इनकी बात मानने के लिए तैयार हो। और हाँ, इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना कि तुम खुद यह मशरूब हरगिज ना पीना। तुम चाहो तो बर्तन में मशरूब लेकर मुंह से लगा लेना, लेकिन इसे हरगिज पीना मत। इसके बाद मैं तुम्हें ऐसा तमाशा दिखाऊंगा जो तुमने जिंदगी भर नहीं देखा होगा और इन लोगों को भी ऐसा तमाशा दिखाऊंगा जो इनकी सात पुश्तें याद रखेंगी। तुम अजनबियों से बात करके और अपने कबीले के लोगों को इस बात की इजाजत दे दो कि वह अजनबियों का दिया हुआ मशरूब पी सकते हैं, फिर इसी झोंपड़े में वापस आ जाना। तब मेरे पास इतना वक्त होगा कि मैं तुम्हें बता सकूं कि असल वाकयात क्या है। लेकिन इस बात का खास ख्याल रहे कि किसी को भी और खास तौर पर अजनबियों में से किसी को भी इस बात का हरगिज इल्म ना होने पाए कि मैं जिंदा और सलामत वापस आ गया हूँ और यहाँ बस्ती में मौजूद हूँ। ठीक है टियाबू, नारो ने अपने सफेद सफेद दांतों की नुमाइश करते हुए कहा। मैं वही सब कुछ करूंगी जो तुम कहोगे। अच्छा मैं चलती हूँ और जरा देर बाद वापस आऊंगी। ठीक है, उमका को समझा देना कि मेरी आमद का किसी से जिक्र ना करे। नारो चली गई और मैं झोंपड़े में अकेला रह गया। प्रोफेसर, मैं ये सोचने लगा था कि नारो के फैसले की अचानक तब्दीली को ये लोग किस बात का नतीजा समझेंगे। मुमकिन है ये लोग समझें कि नारो ने जब अपने कबीले के दूसरे लोगों से इस बात का जिक्र किया होगा तो इन्होंने इसे मशवरा दिया होगा कि अजनबियों की दावत कबूल कर ले और इन्हें इस मशरूब से महरूम न रखा जाए, या मुमकिन है ये समझें कि नारो ने खुद ही अपना फैसला बदल दिया हो क्योंकि मशरूब पीने की ख्वाहिश इस पर गालिब आ गई होगी। बहरहाल इन लोगों के लिए नारो के फैसले में तब्दीली यकीनन बड़ी हैरत अंगेज होगी और इसके साथ ही अल्बर्टो तो खुशी के मारे बेहाल हो जाएगा। इसका मंसूबा जो सरासर नाकाम होता नजर आ रहा था एक बार फिर कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाता हुआ नजर आने लगेगा। मैं अभी भी चंद ख्यालों में डूबा हुआ था
कि बाहर जबरदस्त शोर गुल की आवाजें सुनाई देने लगी। यूं लगता था कि सारे लोग एक साथ बोल रहे थे। इनके साथ भागते और दौड़ते कदमों की आवाजें भी सुनाई देने लगी। सारी आवाजें झोपड़ों की तरफ से एक खास समत में सफर कर रही थी। मैं समझ गया कि नारों के इमाम पर मशरूब की तकसीम शुरू हो चुकी है और कबीले के लोग अपने अपने झोंपड़ों से अपने अपने बर्तन लेकर दीवानावार एक ही समत भाग रहे हैं। इस समत में जहां अजनबी जहाज राम मशरूब के पीपे लिए हुए बैठे थे, थोड़ी देर और गुजर गई कि नारो वापस आ गई। उसने बताया कि उसने जब अजनबियों को अपने फैसले में तब्दीली की इतला दी तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हुए और उन्होंने फौरन ही पीपों में से मशरूब निकाल कर तकसीम करना शुरू कर दिया। अब सारे लोग मजे ले लेकर पी रहे थे। मर्द और औरतें सबके सब अपने अपने बर्तन लेकर अजनबियों के पास पहुंच गए थे और बड़ी धमाचूकड़ी मच गई थी। तुमने खुद तो मशरूब नहीं पिया, मैंने पूछा। नहीं ट्याबू, नारो ने सख्ती से जवाब दिया। पता तुम्हारे मना करने के बाद मैं ऐसा क्यों कर सकती हूँ? इन्होंने सबसे पहले तो मुझे ही मशरूब पेश किया था और वो भी खुद अपने बर्तन में, लेकिन मैंने उसे पिया ही नहीं, बल्कि ये कहकर वहां से चली आई कि मैं इस मशरूब को अपने साथ ले जा रही हूँ और अपने झोंपड़े में बैठकर आराम से पीऊंगी। वहां से लाकर मैंने मशरूब को जमीन पर बहा दिया। तुमने बहुत अच्छा किया, मैं नारों की चौड़ी चिकली पीठ थपथपाते हुए कहा। तुम बहुत होशियार और जहीन औरत हो, मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। जवाब में नारों मुस्कुरा दी। मुझे मालूम था प्रोफेसर के सारे लोगों के बेहोश होने में अभी कुछ वक्त लगेगा। नारो अगरचे अब मुझसे बराह रास्त कोई सवाल नहीं कर रही थी, लेकिन तजस्सुस उसकी आंखों से झलक रहा था। मुझे उसका यह तजस्सुस दूर करना था, चुनाचे मैंने उसे अजनबियों के मंसूबे से तफसील के साथ आगाह कर दिया। नारो हैरत से आंखें पाड़े मेरी बात सुनती रही। उसके चेहरे के तासरात ऐसे थे गोया उसे मेरी बात का यकीन ही ना आ रहा हो। क्या इन लोगों ने तुम्हें पहाड़ी से नीचे धक्का दिया था? तुम नीचे गिर गए और उसके बावजूद तुम्हें एक खराश तक ना आई, उसने हैरान होकर पूछा। हाँ नारो, मैंने जवाब दिया। तुम्हें मालूम है कि शिगान देवता मुझ पर कितना मेहरबान है। ये उसकी मेहरबानी का नतीजा है कि मैं तुम लोगों के सामने आग में से जिंदा निकला है। ये भी उसकी मेहरबानी का नतीजा है कि मैंने हजारों मन वजनी चट्टान जिसने नदी के बहाव का रास्ता रोक दिया था तनहा अपने बाजुओं की कुव्वत से हटाकर नीचे फेंक दी थी। और ये भी शिगान देवता की मेहरबानी थी कि इन लोगों ने बुलंदी से नीचे धक्का दिया, लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ और मैं जिंदा सलामत उठ खड़ा हुआ हूँ। ये सारी अनायतें शिगान देवता की हैं और मैं इसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अब क्या होगा ट्याबू, नारो ने सवाल किया। तुमने कहा था कि जरा देर में वो सब लोग बेहोश हो जाएंगे जिन्होंने उन अजनबियों का दिया हुआ मशरूब पिया है। इसके बाद अजनबी अपनी पसंद की चार औरतों को उठाकर जहाज पर डालेंगे और इन्हें अपने साथ ले जाएंगे। क्या तुम इन्हें ऐसा करने से रोकोगे नहीं? कबीले के सब लोग तो बेहोश होंगे, तुम्हारी मदद को कौन आएगा? मुझे लोगों की मदद की जरूरत नहीं है नारो, मैंने पुरसकून अंदाज में जवाब दिया। मुझे सिर्फ शगान देवता की मदद चाहिए और मुझे हासिल है। तुम देखना कि मैं इन लोगों का क्या हशर करता हूँ। जो कोई मुझसे टकराने की कोशिश करेगा वो रेजा रेजा होकर रह जाएगा। हम दोनों अंदर बातें करते रहे थे और बाहर बड़ा शोर जारी था प्रोफेसर, और फिर रफ्ता रफ्ता शोर में कमी आने लगी और मैं और नारो अंदर दम बखुद बैठे हुए थे। यहां तक कि बाहर से आने वाला शोर तकरीबन बिल्कुल ही बंद हो गया और हर तरफ एक सन्नाटा सा छा गया। इसका मतलब यह था कि मशरूब पीने वाले तमाम लोग जिनमें मर्द और औरतें सभी शामिल थे वो बेहोश हो चुके थे। मैं नारो से कहा कि वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे पीछे पीछे आए। मैंने उसे सख्ती के साथ हदायत कर दी थी कि लड़ाई की सूरत में वो हमसे दूर रहे और किसी हालत में भी मेरी मदद करने की कोशिश न करे, क्योंकि मुझे उसकी मदद की जरूरत नहीं है। मैंने उसे यह भी समझा दिया था कि वो सिर्फ अपनी जान बचाने की फिक्र करे और मुझे बिल्कुल भूल जाए। मैंने उसे हदायत दी थी कि वो कोशिश करे कि लड़ाई की जगह से दूर रहे और किसी दरख्त वगैरह के तने के पीछे इस तरह छुप जाए कि किसी की उस पर नजर ना पड़े। नारो को अच्छी तरह हदायत देने के बाद हम दोनों बाहर निकले। अपनी कमीनगाह से निकलकर हमने देखा कि हर तरफ गहरा सन्नाटा फैला हुआ था और कुछ लोग हाथों में मछले थामे हुए इधर उधर दौड़ रहे थे। ये लोग अल्बर्टो और उसके साथी थे जो अपनी पसंद की औरतें तलाश कर रहे थे।